फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे दो वीडियोस बना लिए हैं। तो आप अगर इस वीडियो पर अभी नए आए हैं तो पहले उन दो वीडियोस को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो दूसरे वीडियो जैसे मेरा दूसरा वीडियो वो पहले वीडियो को कॉन्टिन्यूएशन होता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होता है। अगर उस चीज़ को आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो दोस्तों, किसी भी एंगल को मेजरमेंट का सिस्टम कितना होता है, तो तीन प्रकार से किसी भी एंगल का मेजरमेंट का सिस्टम बना हुआ है। पहला होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, चौथा है सर्कुलर मेजर, सॉरी तीसरा है सर्कुलर मेजर। मतलब कि किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने का सिस्टम तीन प्रकार से बनाया गया है। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर मेजर, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, पहले देखते हैं इन दिस सिस्टम कैसे मेजर करते हैं, इसमें देखते हैं इन दिस सिस्टम वन राइट, देखिए दोस्तों वन राइट, ये एंगल इस तरह बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। वन राइट एंगल इक्वल टू इसमें क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसको ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं, 90 के पावर छोटा सा एक जीरो बना देते हैं, 90 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है किसमें, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। वन डिग्री इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, वन डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, ठीक है दोस्तों। अब मिनट को एक सिंगल क्यूट से दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए 60 मिनट लिखा है तो पहले 60 लिखेंगे, उसके ऊपर एक सिंगल सा क्यूट बना देंगे तो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। और वन मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है, सेकेंड के लिए हम लोग डबल क्यूट्स लिखकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़े, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है और वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और कैसे उसको दर्शाया जाता है मैंने ये भी बता दिया। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, दोस्तों सेंट मतलब आप लोग जानते होंगे 100 होता है, सेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अब इसमें जो मैं वन राइट एंगल लूंगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा, 100 ग्रेड। 100 कहाँ से है, क्योंकि ये सेंट है, ठीक है। 100 ग्रेड को 100 के पावर स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वन ग्रेड इक्वल टू कितना होता है, 100 मिनट्स होता है। वन ग्रेड इक्वल टू कितना होता है, 100 मिनट्स होता है, जिस 100 मिनट, मिनट को ऐसे दर्शाते हैं। अभी मैंने सिखाया कि सिंगल की ओर से मिनट को दर्शाते हैं, फिर वन मिनट्स कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड्स हो जाएगा। और ये 100 सेकेंड्स किस सिस्टम में होगा दोस्तों, ये सेंटेसिमल सिस्टम होगा, सेक्साडेसिमल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया 100 सेकेंड्स, मतलब 100 के ऊपर डबल क्यूट्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा दोस्तों सर्कुलर मेजर है, सर्कुलर मेजर में जो यूनिट होता है मेजरमेंट का, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है जो, वो हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा रेडियन होता है दोस्तों, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन होता है। और वन रेडियन को हम लोग 1 के पावर c से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आपको 1 के पावर c लिखा है या 1 रेडियन लिखा है तो मतलब दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ये सर्कुलर मेजर को रिप्रेजेंट करता है, तो मान लीजिए हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, बना लिया, और ये सेंटर पे एंगल बना लिया, और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, और ये जो आर्क बन रहा है ये भी हमारा आर है, ठीक है। तो
जब हमारा रेडियस और आर्क दोनों बराबर हो जाता है दोस्तों, तो जो मेरा सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ पर अगर हमारा रेडियस, जैसे इनिशियल पोजीशन से कोई इंसान इतना चला होगा, तो ये मान लीजिए आर्क की भी डिस्टेंस क्या हुई, आर हुई। तब अगर जब ये तीनों आपस में समान है, तो जो एंगल हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो 1 रेडियन के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन मतलब पाई के पावर सी, और ये कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 1 रेडियन मतलब 1 के पावर सी, और पाई रेडियन मतलब पाई के पावर सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो बातें आप याद रखिएगा, बहुत आपको बेनिफिट्स देंगी। ठीक है, तो किसी भी एंगल का मेजरमेंट का सिस्टम जो होता है वो भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी तक मुझे जहाँ तक याद है किसी भी यूट्यूबर ने ऐसा कुछ भी इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके नहीं समझाया है। किसी ने भी सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में नहीं बताया, सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में नहीं बताया, सर्कुलर मेजर के बारे में नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।